ऐसे मौके पर राजनीति कौन करता है जब देश एकजुट होकर परेशान हुए परिवारों के लिए दुआ कर रहा हो और इस दुख की घड़ी में साथ खड़े होने के लिए तैयार हो। लेकिन ऐसे मौके पर भी राजनीति करने वाले आ ही जाते हैं, कभी कांग्रेस से तो कभी बंगाल से। जी हाँ, 2 जून 2023 की शाम एक ऐसी खबर आई जिसने सबको रुला कर रख दिया। उड़ीसा के बालासोर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरा देश भावुक हो उठा। वहीं शनिवार को पीएम मोदी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी भी ली। लेकिन इसी बीच राजनीति करने पहुंच गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दरअसल पीएम मोदी के पहुंचने से पहले बालासोर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अधिकारियों की मौजूदगी में अपने काम पर लगे थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बालासोर पहुंची और उसके बाद सीएम ममता बनर्जी के साथ मीडिया से बातचीत की अश्विनी वैष्णव ने। मौका मिला तो ममता बनर्जी अपनी सियासत चमकाने लगी। मीडिया से बातचीत के दौरान दो बार ऐसा हुआ जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ममता को टोंक दिया, क्योंकि ऐसे मौके पर भी ममता बनर्जी एक के बाद एक आरोप लगाए जा रही थी। उन्होंने कहा कि रेलवे में तालमेल की कमी है। वहीं ममता बनर्जी जब ये बातें बोल रही थी तब रेल मंत्री की ओर से कोई पलटवार तो नहीं किया गया, लेकिन जब ममता ने रेल मंत्री से पूछा 10 लाख मिलेगा या फिर 15, जिसके बाद रेल मंत्री की ओर से कहा गया 10। इसके बाद ममता बनर्जी ने जब आंकड़ा गलत बताया तो एक बार फिर से रेल मंत्री ने उन्हें वहीं पर टोंक दिया। रेलवे का एक सिस्टम है, कोई इंसिडेंट होने से 15 लाख रुपया करके देता है, 10 देता है, अभी 10 देता है। हॉट स्टेट का जो आदमी मर गया, हॉट स्टेट तो उसको मदद करेगा, हमारा स्टेट से ज्यादा है। हम भी वो परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे। और रेली अग्रेल के साथ, गवर्नमेंट का साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके, रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा। हालांकि ममता बनर्जी यहीं पर नहीं रुकी, इसके बाद भी उन्होंने कई आरोप लगाए और अपनी राजनीति चमकाती दिखी, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें जवाब दिया, हालांकि ममता कहां मानने वाली थी। इसी बीच पीएम मोदी भी वहां पहुंचे और वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली, रेल मंत्री से बातचीत की, फिर वापस आए। लेकिन हर तरफ इस वक्त ममता बनर्जी की ही बातें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने शायद गलत वक्त पर राजनीति करनी शुरू कर दी और इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से उन्हें जवाब दिया है वो सभी सुन रहे हैं। फिलहाल सुनिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर बड़े आरोप लगाए, जिसका जवाब अश्विनी वैष्णव ने दिया। कोरोमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया, मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में, हमारा टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फॉल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है, जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट है होता है तो रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। मैंने एंटी कॉल्यूशन डिवाइस तैयार किया था, मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था, एक्सीडेंट एकदम। वो ऐसा है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस कि दो एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा, अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा, अगर कोई कुछ भी हो सकता है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कॉल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कॉल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है, जितना प्राण चला गया है उस तो जिंदगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी, हमारा स्टेट से ज्यादा है, हम भी वो परिवार को
हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे और रैली अगर एल के साथ गवर्नमेंट का साथ उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा। हमने भी 70 एम्बुलेंस आज भेजा, कल भी 40 भेजा था। हमारा 40 डॉक्टर इधर में पूछ चुका है, काम कर रहा है। हमारा सिस्टर भी काम कर रहा है।